जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अग्निवीर के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 17 से 26 तक अग्निवीर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो चंद दिनों की बात रही अब, तो लग जाए अपनी स्टडी पे। और जैसा कि आपको पता है, इस बार पहले ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं और हर बार पहले होते ही फिजिकल होता था, इस बार पहले एग्जाम होंगे उसके बाद आपकी फिजिकल होगा। अब इसी के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समंदर भी आएगा, यू रूट कर ना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। सरस्वती माता का आशीर्वाद लेते हुए आज इस साइंस की मैराथन क्लास का आगाज करते हैं। आशा करते हैं जो जो आज इस क्लास में पढ़ाएंगे, शायद आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आए। अपनी टीम के द्वारा बनाए गए ये पेपर लगभग अग्निवीर के कोर्स पर ही बनाया गया हुआ है, तो आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज का यह पहला क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन लुईस पास्टर, दूसरा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और तीसरा ऑप्शन हेकल, और चौथा ऑप्शन डी डबे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, कमेंट सेशन में अपना अपना आंसर दीजिए। देखते हैं कौन कौन का कौन सा आंसर आता है। जी, इसमें देखो जीवाणु की खोज किसने की थी, पहला ऑप्शन आता है लुईस पास्टर। लुईस पास्टर ने किण्वन व पास्तिकरण के सिद्धांत की खोज की थी। वह जो जंतुओं से रोग होता है, जंतुओं से इंसानों में, जंतुओं से इंसानों में होने वाला रोग था, जो था रेबीज। रेबीज के टीके की खोज की थी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तीसरा ऑप्शन है हेकल। हेकल ने लवक की खोज की थी, किसकी की थी, लवक की। लवक केवल और केवल पादपों में पाया जाता है, किन में, पादपों में पाया जाता है। यह लवक तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, प्रोटीन, प्रोटीन का संग्रहण करते हैं, दूसरा स्टार्च का संग्रहण करते हैं, और तीसरा होता है वो होता है वसा का संग्रहण करता है। किसका करता है, वसा का संग्रहण करता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी या अस्थि कहां होती है, बताओ। देखें पहला ऑप्शन नाक, दूसरा ऑप्शन गला, तीसरा कान, और चौथा हाथ। हिंदी में वैसे अस्थि बोलते हैं हड्डी, तो कहां होती है बताओ। देखिए कमेंट सेशन में कहां होती है, कान में होती, कौन सी है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताओ। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, एक फॉर्मूला होता है ईंट पर नाच, एक का होता है
इलेक्ट्रॉन, और तय का होता है थॉमसन। क्या होता है? थॉमसन। दूसरा होता है पे, पे पे प्रोटॉन। और रे का होगा रदरफोर्ड। कौन सा हुआ? रदरफोर्ड। और चेक का, ने का न्यूटन। और चेक का होगा चैडविक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। सिबेंडा है ये, माइटोकॉन्ड्रिया नाम, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सिबेंडा ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसको आत्मघाती थैली कहते हैं? बताओ देखें। इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए का नाम बताओ, विटामिन ए का नाम बताओ। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। एस्कोर्बिक अम्ल कौन से विटामिन का नाम होता है? विटामिन सी का, जो बार बार पूछा जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है, या अदिश राशि है, या दोनों, या सरल राशि? बताओ देखें। पहली बात तो सदिश राशि कौन सी राशि होती है? वे राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। सदिश राशि वे राशि होती है जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। अदिश राशि कौन सी होती है? जिन राशियों में केवल परिणाम होता है, केवल और केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, वे राशियां होती है अदिश राशि। तो वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? बताओ देखें कमेंट सेशन में। सही ऑप्शन होगा इसमें दो प्रकार के। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है समांगी मिश्रण। कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। और दूसरा होता है विषमांगी। दूसरा कौन सा होता है? विषमांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? बताओ देखें। इसका राइट आंसर होगा चीता। दरियाई घोड़ा को, दरियाई घोड़ा को जलीय जीव भी कहते हैं, या जलीय घोड़ा भी कहते हैं? इसको जलीय घोड़ा भी कहा जाता है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। गोरिल्ला वो एक कपी है, जो दूसरी भाषा में इसे कहें कि
इंसानों निकटतम सदस्य, इंसानों का सबसे निकटतम सदस्य अगर कोई है तो वह है गोरिल्ला। और गिब्बन यह भी मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। गोरिल्ला भारत में भी होता है और पूर्वी बांग्लादेश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा क्या है? फाउंटेन पेन या पेनों में जो ऊपर भरा होता है पारा, जो द्रव रूप में पाया जाता है। पारा एक एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। पारा क्या है? धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? यह तो सबको आता ही होगा, विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? छाया से, धूप से, या पानी से, या गाजर से? बताओ देखे कमेंट सेशन में। इसका राइट आंसर होगा धूप से। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? धूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति में किसके बराबर होती है? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? बताओ देखे, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, खासकर आर्मी के अंदर पहले भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये 746 वोट, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा की इकाई क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा की इकाई क्या है? एम्पियर होगी, कुलाम होगी, या ओम होगी, या त्वरण होगी? इसका राइट आंसर होगा एम्पियर। धारा की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सूत्र क्या है? जल का सूत्र क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। O2 किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन को। और H2O क्या है? जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड और CO है, ये एक विषैली गैस होती है। CO क्या होती है? एक विषैली गैस होती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का कार्य अधिकांश कौन से भाग में संपन्न होता है? तो अमाशय में होता है, या बड़ी आंत में होता है, या छोटी आंत में, या यकृत में? पाचन का कार्य सबसे ज्यादा छोटी आंत में होता है। नाम छोटी है पर होती बहुत बड़ी है, 9 मीटर के लमसम आकार में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विकिरण में सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है? बताओ देखे, अपने अपने कमेंट सेशन में इसका आंसर बताओ। इसका राइट आंसर होगा बैंगनी रंग। विक्षेपण अलग एक
तरंग दे रही होती है, तरंग दे रही है जो लाल रंग की सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है? अदिश राशि मतलब जिसमें केवल परिणाम हो, केवल और केवल परिणाम हो, वह राशियां कौन सी होती है? भौतिक राशियां अदिश राशि, और जिन भौतिक राशियों में परिणाम और दिशा दोनों हो वे राशियां होती है सदिश राशि। तो इनमें तीन राशियां तो है सदिश राशि और एक राशि है अदिश राशि। तो बताओ देखिए कौन सी अदिश राशि है? बल, चाल, वेग और विस्थापन, इनमें से कौन सी राशि अदिश राशि है? इसका राइट आंसर होगा चाल। चाल क्या है? अदिश राशि है। और बल, वेग और विस्थापन क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि, क्योंकि बल, वेग और विस्थापन इन तीनों में क्या है? परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या अस्थि का नाम क्या है? बताओ देखें कौन सी होनी चाहिए। अभी पहले क्वेश्चन आया था सबसे छोटी हड्डी का, अब आया बड़ी हड्डी का, तो बताओ देखें स्टेपीज क्या थी? सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज क्या थी? सबसे छोटी हड्डी, और इसका राइट आंसर होगा फीमर, जो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है, सबसे बड़ी अस्थि होती है जो कहाँ होती है? जांग में। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये कहाँ होती है? कान में। तीसरा चौथा ऑप्शन है इनकस, इनकस कहाँ होती है? कान में ही होती है। कान में कितनी हड्डियाँ होती है? कान में तीन अस्थियाँ होती है या तीन हड्डियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो स्टेपीज, एक इनकस, एक मेलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? बताओ देखें विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई गैसों में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है? बताओ देखें जल्दी से कमेंट सेशन में अपने अपने आंसर दीजिए। O2, CO2, नियोन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा नियोन। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बताओ देखें पीएच मान सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसमें एक पीएच स्केल, पीएच स्केल दी थी जिसका मान 0 से 14 दिया गया था, 0 से 7 तक अम्ल के मान थे और 7 से 14 तक सार के मान थे। अब आपको ऐसा पूछा जाए कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 0 से 7, और 7 से 14 किन का होता है? सार का। इनमें ऐसा भी पूछा जाता है कि लाल लिटमस को नीला करने वाला और नीले लिटमस को लाल कौन करता है? तो एक नाम होता है अनिल,
इसमें ऐसे ले ओ अम्ल नैसे नीला और लैसे लाल। जो नीले से लाल लिटमस, जो नीले लिटमस को लाल लिटमस में प्रतिवर्ती करता है उसको अम्ल कहते हैं। और क्षार में होता है एक सालिनी, सा को क्षार, ली को लाल। जो लाल लिटमस को नीला करते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट, शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है बताओ। देखे खोपड़ी, जांग, कंधा या जबड़ा। खोपड़ी वैसे साइंस में इसको कपाल बोलते हैं, जांग है जिसमें शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग में होती है, अभी बताया था। कंधा शरीर की सबसे सुंदर हड्डी, हल्के एस आकार की जो कंधे पर होती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, कपाल में, कपाल में 8 अस्थियां होती है, और पूरी खोपड़ी में टोटल फेस में 22 अस्थियां होती है। शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या पूछा गया है, सबसे मजबूत अंग, तो कौन सा ऑप्शन बचा है इसमें, जबड़ा। जबड़ा होता है वो शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है। और यही पूछा जाए कि सबसे मजबूत अंग की जगह अगर मजबूत भाग पूछा जाए, मजबूत भाग पूछा जाए, तो वो होगा दांतों का इनेमिल भाग। ऑप्शन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, वो होता है इनेमिल, दांतों के ऊपर की परत होती है वो इनेमिल, वो सबसे मजबूत भाग होता है शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है बताओ। देखें 208, 206, 306 या 106। इसका राइट आंसर होगा 206। इसमें एक नवजात शिशु होता है उसमें लगभग 300 या 305 तक अस्थियां होती है, और जैसे जैसे वह वयस्क होता है, जैसे जैसे वह वयस्क होता है तब तक जाकर उनमें 206 अस्थियां हो जाती है। पहले 300 होती है, 300 से कम होती होती हुई 206 तक हो जाती है। जब एक महीने का शिशु हो जाता है तो उसमें 270 अस्थियां रह जाती है, और वयस्क होते होते उसमें 206 अस्थियां या हड्डियां रह जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब रीढ़ की हड्डी या अस्थि होती है वो 33 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, कितनी होती है 33, और जो वयस्क होते होते 26 अस्थियां रह जाती है। इस तरह से जन्म से लेकर वयस्क तक अस्थियां आपस में जुड़ जुड़ाकर लास्ट में 206 तक रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन ने किसके नियम दिए थे बताओ। देखें न्यूटन ने, यह तो सबको पता ही है, वेग के, गति के या संवेग के या घर्षण के। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे,
और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी न्यूटन ने ही दिया था। कंप्लीट। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और क्लास का फ़ायदा लें। जय हिंद, वंदे मातरम।